आज हम हमारा जो कविता थी कलम आज हम ही जय बोले रामधारी सिंह दिनकर जी की, उनके क्वेश्चन आंसर जो है आपको टिक करवा देते हैं, है ना। आप लोग भी बताएंगे और हम भी आपको बता देते हैं, और उसके बाद आपको उसको क्या करना है, घर में लिखना है, प्लस क्या करना है, पढ़ना भी है। ये पहले लिखेंगे और मतलब बुक में अगर भरते बनता, जो जो चीज बुक में भरते बनती है उसको बुक में भरना है, जैसे टिक वाले, सत्य असत्य वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, खालिस्तान वाले, और बाकी जो क्वेश्चन है जो थोड़े बड़े हैं उसको आपको कॉपी में नोट करना है और फोटो खींच कर हमें सेंड करना है, साथ ही साथ लिखने के बाद पढ़ना है, मतलब इकट्ठा ना हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, जैसे चैप्टर नंबर वन हुआ लिखते भी जाना है और लर्न भी करते जाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अपना, सबसे पहले पेज नंबर टू निकालना है आपको, इसमें देखिए जीवन परिचय आप यहीं से पढ़ सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का। अब आओ करें एक उचित विकल्प का सही का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की महिमा का कौन साक्षी नहीं है, है ना, सूर्य चंद्रमा, इतिहास, भूगोल, तो इतिहास। सेकंड क्वेश्चन है, सभी ने टिक किया। अब देखिए बुझने वाले अगणित दीपों ने मुंह खोलकर क्या नहीं मांगा, है ना, हिमांशी आप बताइए, इसने धन सजा सम्मान, इसने, है ना, बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, बलिदानियों ने क्या जलाकर चिंगारी छिटकाई, ये आप बोलिए, लड़कियां बारूद, लकड़ियां बारूद, पटाखे, अस्थियां, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, सभी लोग टिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए, क्रांतिकारियों के सिंह नाम से सहमकर कौन अभी तक डोल रहा है, है ना, निखिल आप बोलेंगे, अंग्रेज, धरती, आकाश, सरकार, धरती, हाँ बिल्कुल सही आंसर, आपने भी सही बोले, सभी लोग टिक कर लीजिए, है ना। अब देखेंगे अपन सेकेंड क्वेश्चन, आओ करें दो, सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर शब्द दिए हैं, चिंगारी, पुण्यवेदी, अंधा, स्नेह, साक्षी, इनमें से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स क्या करना है, भरना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चकाचौंध का मारा अंधा इतिहास क्या जाने, है ना, सूर्य चंद्र, भूगोल और खगोल उनकी महिमा के हैं, खालिस्तान हैं, है ना। तो निखिल आप बोलिए, निखिल बघेल क्या है सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा, साक्षी हैं, हाँ सही है, सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लिख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, जल जल कर बुझ गए, मांगा नहीं खालिस्तान मुंह खोल, है ना, अनमोल आप बोलेंगे, स्नेह, है ना, स्नेह आएगा, सभी लोग ने लगा लिया, टिक कर लिया। अब उसके बाद देखिए, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने खालिस्तान, है ना, कौन बोलेगा, सुहानी आप बोलो, है ना, चिंगारी, हाँ ये भी सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चढ़ गए जो खालिस्तान पर लिए बिना गर्दन का मूल, है ना, कौन बोलेगा, सुहासिनी आप बोलो, पुण्यवेदी, ठीक है, सभी लोगों ने भर लिया। अब उसके बाद देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन, आओ करें तीन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पुण्यवेदी पर कौन चढ़ गए और क्यों, है ना, तो आंसर क्या आएगा, असंख्य स्वतंत्रता सेनानी, असंख्य स्वतंत्रता सेनानी कहाँ चढ़ गए, अगणित लघुदीप, यानी कि अगणित यानी असंख्य, लघुदीप, इसका आंसर लिखेंगे, असंख्य स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धरती अब तक क्यों डोल रही है, है ना, धरती अब तक क्यों डोल रही है, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और सिंहासन से, है ना, धरती अब तक क्यों डोल रही है, तो स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और सिंहासन से, ठीक है, ये आंसर आप लोग लिखते भी जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम लिखवा दे रहे हैं। इसका फर्स्ट का आएगा, असंख्य असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों से, हम शॉर्टकट में लिखा दे रहे हैं, आपको पूरा आंसर अच्छे से लिखना है। सेकंड का था, स्वतंत्रता सेनानियों के, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, बलिदान और, बलिदान और सिंहनाद से, सिंहनाद से, ठीक है, इसको अच्छे से लिखेंगे आप लोग, जब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, पुण्य वेदी पर कौन चढ़ गया और क्यों, तो असंख्य स्वतंत्रता सेनानी चढ़ गए, पुण्य वेदी पर असंख्य स्वतंत्रता सेनानी चढ़ गए। सेकंड क्वेश्चन, धरती अब तक क्यों डोल रही है, तो आंसर लिखेंगे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और सिंह नाद से डोल रही है। अगला क्वेश्चन, किन की महिमा के कौन साक्षी है, तो देखिए यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल ये जो है इतिहास के साक्षी हैं। इसकी महिमा के, तो इतिहास के अंधा जगह जो हमारा क्या जाने, इतिहास बेचारा साक्षी है उनकी महिमा के, यानी कि इतिहास के, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि ने किसे अंधा कहा है और क्यों, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कवि ने इतिहास को अंधा कहा है। किसको अंधा कहा है, इतिहास को, आंसर लिखेंगे इतिहास को अंधा कहा है। ठीक है, क्यों कहा है, क्योंकि वह हमेशा ही चकाचौंध का मारा होता है, क्योंकि वह हमेशा ही चकाचौंध का मारा होता है या रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संक्षेप में कविता का भावार्थ ये नहीं लिखना क्योंकि आपने इसका अर्थ लिख लिए हैं। अब देखिए, आओ करें चार, नीचे दी गई पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, है ना। तो ये भी आशय भी आपको क्या करना है, आपने तो इसका अर्थ लिखे हैं तो अर्थ में आपको ये समझ में आ जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका, हाँ, या फिर हम आंसर बता देते हैं। कवि का कहना है कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनगिनत लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन्होंने कभी भी किसी से नहीं कहा कि लोग उनका सम्मान करें, उन्होंने ऐसा अपना कर्तव्य समझकर किया, उन्हें कभी भी पद प्रेम या लोगों के बलिदान और त्याग के कारण हम आज आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं, है ना। अब देखिए भावार्थ ये, है ना। अब ये पंक्तियों का आशय तो आपको अर्थ जो लिखे आपने उसमें मिल जाएगा। तो आओ करे एक दो तीन, तो आओ करे एक तो यही टिक करना है आपको, सेकंड भी यही टिक करना है, थर्ड का आंसर कॉपी में लिखेंगे आप लोग, है ना, फोर्थ को छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद हम ये वाली बुक उठा रहे हैं आपकी, है ना, ये सेकंड वाली बुक जो है आपकी वो। अब देखिए इसमें एक कविता लिखी है, दी गई कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, ये देखो चित्र बना है, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी सोया पड़ा जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा, भाई पंछी इसके कानों में चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, नहीं तो बेवक्त जागेगा ही, जो आगे निकल गए रहे हैं उन्हें पाने घबरा कर भागे गए। क्या होता है कि जब सूरज क्या कह रहा है, सूरज से कहा गया, कवि ने क्या कहा है, सूरज को इस आदमी को जगाओ, फिर पवन से कहा है, फिर पंछी से कहा है ना, क्योंकि अगर ये बेवक्त यानी कि समय के बाद जागेगा तो जिससे आगे निकल गए हैं, है ना, तो उसके पीछे ये क्या होगा, घबराकर भागेगा कि अरे मैं तो आज पीछे रह जाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लेट उठते हैं तो हमारे सब काम देर से होते हैं और हमको घबराहट होती है, है ना। जैसे एग्जाम देने भी अपन लेट आते हैं तो ऐसा लगता है पूरे बच्चे बैठ गए हैं और सब देने लगे, मेरा तो एक क्वेश्चन छूट जाएगा, तो ऐसी घबराहट सी होती। वैसे ही यहाँ पर बताया गया कि अगर इस आदमी को नहीं उठाया गया तो ये क्या हो जाएगा, ये घबरा जाएगा और अपना काम करने के लिए उसे परेशानी होगी, है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है उसको हम बनाते हैं, कवि उस सोए आदमी को जगाने के लिए किस किस से आग्रह कर रहा, किस किस से आग्रह करा उसने, देखिए सूरज से, पवन से और पंछी से, सूरज से, पवन से और पंछी से उसने क्या किया, सूरज पंछी और पवन से, है ना, सूरज पंछी और पवन से उसने क्या किया, आग्रह किया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कवि पंछी से क्या करने को कह रहा है, है ना, तो कवि पंछी से उस सोए हुए आदमी को
के कान में चिल्लाने के लिए कह रहा है। पंछी यानी होता पक्षी, तो पक्षी से क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर इसके कानों में चिल्लाओ। ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर जो है, ये आपका सेकंड आंसर है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड आंसर हो गया। फर्स्ट में क्या बोला था, सूरज, पवन और पंछी, ये तीनों नाम लिखेंगे, ये फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक, अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखिए, कवि उस सोए आदमी को क्यों जगाना चाहता है ना। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, कवि उस सोए हुए आदमी को इसलिए जगाना चाहता है क्योंकि वह बेखबर होकर सो रहा है ना, क्योंकि वह क्या कर रहा है, बेखबर होकर सो रहा है। आंसर क्या लिखेंगे, बेखबर होकर सो रहा है, क्योंकि वह, आंसर अच्छे से लिखेंगे, बेखबर, बेखबर होकर सो रहा है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब उसके बाद थर्ड का आंसर हो गया। अब फोर्थ देखिए, वह आदमी कैसे सोया पड़ा है, तो आंसर क्या होगा, दीन दुनिया और सबसे बेखबर अपने ही सपनों में खोया पड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर फोर्थ वाला रहेगा, दीन दुनिया से वह आदमी कैसे सोया पड़ा है। तो आंसर रहेगा, उत्तर में लिखेंगे आप लोग, वह आदमी दीन दुनिया और सबसे बेखबर अपने ही सपनों में खोया पड़ा है। ये हो गया आपका फोर्थ आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोर्थ आंसर। अब आज के लिए इतना काफी है, आओ करें 1, 2, 3 और ये जो है मेरी बारी के क्वेश्चन आप लोग आज करेंगे। आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ। और इसके साथ ही साथ आपको लर्न भी करते जाना है, एक एक चैप्टर हुआ, एक एक का लर्न करते जाइए। आज की कक्षा यही समाप्त हो गई बच्चों, धन्यवाद।